नमस्कार, मेरा नाम युगल और स्वागत है आप सभी का EIB की आज की एक ऑन न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस टाटा टियागो एनआरजी वेरिएंट के बारे में, जो कि दिखने में नॉर्मल टियागो से काफ़ी अच्छी लग रही है। एक डिफरेंट लुक आपको यहाँ पे मिल जाता है, कुछ नए फीचर्स भी इसमें एड ऑन करे गए हैं। और प्राइस की बात करें तो ये नॉर्मल टियागो से आपको 20 से 25 हज़ार रुपये ज़्यादा महंगी पड़ती है। तो इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपको ये वाला वेरिएंट लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि 20 से 25 हज़ार रुपये उतनी बड़ी अमाउंट तो नहीं होती, फिर भी क्या आपको इतना प्राइस खोलना चाहिए इस एनआरजी वेरिएंट के लिए? इस एनआरजी वेरिएंट का आपको प्राइस कितना पड़ेगा? ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ भी गाड़ी आती है, तो उसका प्राइस आपको कितना पड़ता है? तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एंड स्पेशल थैंक्स टू देहरादून दून टाटा मोटर शोरूम, जिन्होंने हमें वीडियो बनाने का मौका दिया। तो अगर आपको ये गाड़ी लेनी है या यहाँ की कोई और गाड़ी देखनी है, सारी गाड़ियाँ अवेलेबल है, तो शोरूम की कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाकर इन्हें कॉन्टैक्ट करिए, अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करिए। और अगर आपको इस गाड़ी की म्यूजिक क्वालिटी जाननी है, फिर यहाँ की किसी भी गाड़ी की म्यूजिक क्वालिटी जाननी है, सो इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करना ना भूलें, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो शुरू करते हैं इस एनआरजी वेरिएंट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको इस कार की की शो करता हूँ। ये रही इस गाड़ी की, वैसी की मिलती है जिसको और टाटा की गाड़ी मिलती है, बस डिफरेंस ये कि अब आपको यहाँ पे बूट अनलॉक करने का भी बटन मिलेगा, पहले टियागो में नहीं मिलता था। बाकी यहाँ पे वही आपको लॉक अनलॉक के बटन मिलेंगे और एक यहाँ पे सर्च बटन मिलेगा, तो अगर इसको प्रेस करेंगे तो गाड़ी की जो लाइट्स हैं वो ऑन हो जाती हैं। अगर मैं कार को अनलॉक करता हूँ तो अब आपको यहाँ पे ऑटो फोल्डेबल ORBM का भी ऑप्शन मिलता है, मतलब जब गाड़ी को लॉक अनलॉक करेंगे तो इसकी जो मिरर्स हैं वो अपने आप ऑटो फोल्ड जाएंगे। अगर मैं इस एनआरजी वेरिएंट की प्राइसिंग की बात करूं तो ये इसका मैनुअल वेरिएंट है, और इस वेरिएंट का आपको ऑन रोड प्राइस पड़ जाएगा अप्रॉक्स 7,84,000 रुपीज़ का। अगर इसका आप ऑटोमेटिक वेरिएंट लेते हैं, ऑटोमेटिक में इसमें आपको 5-speed का AMT गियरबॉक्स मिलता है, उसकी कॉस्टिंग आपको अराउंड पड़ जाएगी 8,43,000 रुपीज़, जिसमें आपको हर एक चीज़ इंक्लूडेड है। अब काफ़ी सारे लोगों का सवाल ये होता है कि गाड़ी लेते समय हमें इसमें डाउन पेमेंट कितनी देनी पड़ती है, इसकी किस्त कितनी बनेगी, तो वो ऐसे डिपेंड करता है आपकी डॉक्यूमेंट्स पे, आपकी सैलरी स्लिप, आपका जो सिविल स्कोर है, उन सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है। और इस गाड़ी की अगर मैं बात करता हूँ, उसकी मिनिमम आपकी जो डाउन पेमेंट है वो आपको अराउंड पड़ जाएगी 1,10,000 रुपीज़ के पास तक। और इसकी जो किस्त की बात करता हूँ, अगर आप 5 साल की किस्त बांधते हैं तो वो आपकी पड़ जाएगी 8 से 9 हज़ार रुपये, अगर आप 7 साल की किस्त बांधते हैं तो वो आपको 11 से 12 हज़ार रुपये तक पड़ जाती है। अब अगर इस एनआरजी वेरिएंट की अगर मैं ओवर लुक की बात करता हूँ तो हाँ, नॉर्मल टियागो के मुकाबले अब ये दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है, एक मस्कुलर लुक यहाँ पे मिल जा रहा है। ओवरऑल गाड़ी फ्रंट से बैक से दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है। अगर फ्रंट पोर्शन की बात करें तो फ्रंट में अगर बम्पर देखेंगे तो रिवाइज बम्पर आपको पूरा यहाँ मिलेगा। यहाँ पर गौर करेंगे ये फ्रंट की स्किड प्लेट हो गई है, काफ़ी सारी क्लाइडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, और काफ़ी सारा ब्लैक एलिमेंट यहाँ पे यूज़ हो रखा है। ग्रिल में देखेंगे तो यहाँ पे ग्लॉसी फिनिशिंग तो नहीं मिलती, लेकिन ब्लैक ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा, टाटा का लोगो हो गया, थोड़ा क्रोम ट्रीटमेंट हो गया, और टोइंग हुक आपको इस तरफ को मिलता है। बाकी वही आपको नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प मिलते हैं, कोई भी LED DRL का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये इसके इंडिकेटर हो गए। और रूफ एंटीना आपको वही फ्रंट में ऊपर की तरफ को मिल जाता है, और यहाँ पे कोई भी आपको ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन नहीं मिलता है। इंजन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको वही इंजन मिलता है जो आपको टियागो में मिलता है, इसमें आपको वही इंजन मिलेगा 1.2 लीटर का 3-सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेट पेट्रोल इंजन, जो जनरेट करता है वही 85 BHP 113 Nm ऑफ टॉर्क। और माइलेज की बात करूँ तो कंपनी इस कार पे 20 का माइलेज क्लेम करती है, बाकी आपकी ड्राइविंग स्टाइल पर डिपेंड करेगा कि कितना एवरेज आप इस कार से सिटी वाइज और हाई वाइज जनरेट करते हैं। बाकी ऊपर देखेंगे तो हुड में भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन प्रोवाइड हो जाती है, और बिल्डअप क्वालिटी भी गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। इस सेगमेंट में सिर्फ यही गाड़ी है जो आपको 4-star रेटिंग प्रोवाइड करती है, कोई भी इस सेगमेंट में गाड़ी आपको इतनी सेफ्टी नहीं देती है। तो गाड़ी फ्रंट से दिखने में कुछ इस तरह से में दिखती है आपको। अब बात करते हैं इस कार के साइड प्रोफाइल के बारे में, तो साइड प्रोफाइल में टायर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एलॉय व्हील्स प्रोवाइड नहीं होते, स्टील रिम मिलेंगे, दिखने में एलॉय जैसे लगते हैं लेकिन नहीं, ये एक्चुअली में व्हील कैप है, लेकिन फिटिंग इतनी अच्छी सी हो रही है कि पहली बार देखने में आपको एलॉय जैसे लगेंगे। और टायर की प्रोफाइलिंग की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 175/60 R15 की यहाँ पर आपको प्रोफाइलिंग मिलती है। हाँ, काफ़ी सारे लोग ये कहेंगे कि इसमें आपको अलॉय व्हील प्रोवाइड नहीं हो रहे, तो मेरे ख्याल से अगर आप आफ्टर मार्केट जाके लगा लेंगे तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी यहाँ पे आपको देख सकते हैं व्हील आर्चरिंग मिल जाती है, और ORBM में आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर की फिनिशिंग मिल जाएगी, टर्न इंडिकेटर भी आपको इसी मिल जाएंगे। और ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करता हूँ तो ग्राउंड क्लियरेंस भी इसका बढ़ा रखा है 11 mm, यहाँ पर आपको अब 181 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि इंडियन रोड कंडीशन के सबसे काफ़ी परफेक्ट है। तो थोड़ा बहुत अगर आप हल्का फुल्का ऑफ रोड भी चले जाते हैं तो कोई दिक्कत यहाँ पर आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, ये काफ़ी अच्छी बात है। और ड्राइवर साइड आपको सिर्फ ड्राइवर साइड ही आपको रिक्वेस्ट सेंसर प्रोवाइड होगा, को ड्राइवर साइड की तरफ को नहीं मिलता, मतलब अब आपको यहाँ पे सेंटर लॉकिंग और कीलेस एंट्री दोनों ही प्रोवाइड होती है। बाकी गौर करेंगे थोड़ा सा ब्लैक ट्रीटमेंट आपको जो इसके डोर हैंडल है उसमें भी मिल जाता है, थोड़ा मतलब एक अच्छा लुक के लिए।
बाकी ऊपर आपको यहाँ पे फेक रूफ रेल्स मिल जाते हैं, जिससे गाड़ी का जो साइड का पोर्शन है उसमें थोड़ा एक अच्छा लुक मिल जाएगा आपको। और इस तरफ को आपको फ्यूल टैंक ओपनर मिल जाएगा, यहाँ पर आपको 35 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी। और पीछे की तरफ को आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे और फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक प्रोवाइड होते हैं। सेकेंड रो सीट की बात हम यहीं पे से कर लेते हैं। तो अगर मैं सीटिंग कंफर्ट की, लेगरूम स्पेस की यहाँ पे बात करता हूँ, ये मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट हो रही है, मेरी हाइट 6 फीट है। और अगर मैं अंडर थाई सपोर्ट की बात करूँ तो मुझे अच्छा खासा अंडर थाई सपोर्ट मिल जा रहा है, लेगरूम स्पेस भी मुझे अच्छा मिल रहा है, और हेडरूम स्पेस की बात करूँ वो मुझे यहाँ पे डिसेंट मिल रहा है। तो अगर पीछे 6 फीट का बंदा भी बैठता है तो वो भी काफ़ी कम्फर्टेबल होकर बैठ जाएगा। हाँ, अगर पीछे 3 लोग बैठते हैं तो थोड़ा सा उनको एडजस्ट होकर यहाँ पे बैठना पड़ेगा, उतना कंफर्ट नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर ओवरऑल गाड़ी में 4 लोग बैठे हैं तो वो काफ़ी कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। बाकी पीछे ये यहाँ पे आपको थोड़ी स्पेसिंग मिल जाएगी, तो वाटर बॉटल आप यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। स्पीकर की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिलती है, पावर विंडो का बटन हो गया। कोई भी पीछे आपको सॉफ्ट टच नहीं मिलेगा, पीछे पूरा आपको हार्ड प्लास्टिक मिलता है। ये ट्विटर की प्लेसमेंट हो गई और इसका छोटा सा डोर हैंडल हो गया। तो सेकंड रो सीट हमने देख ली है, अब चलते हैं गाड़ी के बैक पोर्शन की तरफ को। पीछे का लुक अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे भी आपको एक डिफरेंट लुक मिलेगा, काफी सारी क्लाइडिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब इससे क्लाइडिंग आपको यहाँ मिलती है, टियागो लिखा हुआ मिलेगा, टाटा का लोगो हो गया, एनआरजी की बैजिंग आपको मिलती है। अब आपको यहाँ पे गौर करेंगे, यहाँ पे आपको सेंसर मिलता है, मतलब इसको अगर आप प्रेस करेंगे तो इससे आप जिसकी जो बूट है उसे अनलॉक कर लेंगे। आपको टियागो की तरह यहाँ पे मैन्युअली चाबी डाल के फिर अंदर से अनलॉक नहीं करना पड़ेगा। ये काफ़ी अच्छा फीचर है जो कि मेरे हिसाब से टियागो में पहले ही दे देना चाहिए था। बाकी आपको कैमरा मिल जाएगा, रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है विद गाइडेंस के साथ। नीचे बम्पर में आपको 2 ही पार्किंग सेंसर मिलते हैं, 4 नहीं मिलते, आई डोंट नो व्हाई कंपनी क्यों नहीं प्रोवाइड करती है। और पीछे की ये स्किड प्लेट हो गई है, और इसका जो एग्जॉस्ट टेल पाइप है वो आपको इधर राइट हैंड साइड की तरफ को मिलेगा। टेल लैम्प की बात करें तो आपको वही हेलोजन टेल लैम्प मिलेंगे, कोई भी LED सेटअप नहीं मिलता है। ऊपर आपको डिफॉगर मिल जाएगा, रियर वाइपर मिलता है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाएगा, और यहाँ पे साइड में छोटे से बॉडी कलर आपको हाफ कट स्पॉइलर मिल जाता है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट लुक आपको गाड़ी में मिल जाता है। पीछे का लुक कुछ इस तरह से मिलेगा। बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पर आपको वही 242 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, जो कि ठीक है, डिसेंट है। छोटा मोटा स्टफ आप काफ़ी सारा यहाँ पे कैरी कर सकते हैं, और ये इसकी पार्सल ट्रे हो गई। हाँ, 60-40 स्प्लिट सीट का ऑप्शन आपको यहाँ पर प्रोवाइड नहीं होता है, पूरी फ्लैट सीट आपको यहाँ मिलेगी। बाकी जो टूल किट है, फर्स्ट एड है, सब चीज़ आपको यहीं पर मिलती है। और पीछे आपको यहाँ पर कोई भी हुक का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ना ही पीछे आपको कोई लाइट मिलती है। स्पेयर व्हील की बात करें तो वो आपको इस तरह से स्टील रिम ही मिलता है, कोई एलॉय में प्रोवाइड नहीं होगा। और इसकी प्रोफाइलिंग आपको 13 इंच की, मतलब 2 प्रोफाइलिंग छोटी मिलती है, तो थोड़ा छोटा साइज आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर आपको काफ़ी बड़ा स्टफ कैरी करना है इस गाड़ी में तो इसकी सेकेंड रो सीट को आपको पूरा फोल्ड करना पड़ेगा। डायमेंशन में गाड़ी में कोई चेंजेस नहीं है, बस थोड़े बहुत गाड़ी के फीचर्स और लुक में डिफरेंस कर रखा है। तो गाड़ी का ओवरऑल एक्सटीरियर हमने देख लिया है, अब चलते हैं ड्राइवर सीट में और देखते हैं यहाँ पे सीटिंग कंफर्ट और कौन कौन से फीचर्स आपको प्रोवाइड होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे सीटिंग कंफर्ट की बात करता हूँ तो सीटिंग कंफर्ट एक्चुअली काफ़ी अच्छा है। मेरा जो अंदर थाई सपोर्ट है और जो बैक सपोर्ट है मुझे अच्छा मिल रहा है, हेडरूम स्पेस ही मुझे अच्छी मिल जा रही है यहाँ पे, तो लंबे लोगों को यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और जो सीट है, इसकी सीट में आपको हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन मिलता है, तो अपनी हाइट के अनुसार सीट को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा प्रैक्टिकल फीचर हुआ। डोर की बात करें तो यहाँ पे आपको पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाएंगे, सिर्फ ड्राइवर साइड ही आपको 1 टच डाउन वाला ऑप्शन मिलेगा, और पूरे डोर में कहीं भी आपको सॉफ्ट टच नहीं मिलता, हर जगह आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा। नीचे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट हो गई, थोड़ी सी स्पेसिंग यहाँ पर है, और थोड़ी स्पेसिंग यहाँ अपनी वाटर बॉटल या छोटे मोटे कप्स आप यहाँ पे कैरी कर सकते हैं, और मिरर को एडजस्ट और फोल्ड आप यहाँ पे करेंगे। बाकी इसका AC वेंट हो गया, इसके साइड में भी आपको थोड़ी सी ब्लैक कलर की पियानो फिनिशिंग मिल जाती है, थोड़ी स्पेसिंग आपको यहाँ मिल जाएगी, और फ्यूल टैंक का लीवर खोलने के लिए आपको जो लीवर है वो यहाँ मिलेगा। यहाँ पे आपको डेट पैडल का भी ऑप्शन मिलता है, बाकी 3 नॉर्मल आपको यहाँ पे पैडल मिल जाएंगे। स्टेयरिंग की बात करें, स्टेयरिंग आपको सेम वैसा ही मिलेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वही आपको फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग भी मिलता है, और इसके अंदर थोड़ी सी आपको पियानो फिनिशिंग मिल जाएगी, टाटा का लोगो हो गया, और इस तरफ को आपको माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं जिससे आप जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम है उसे कंट्रोल करेंगे, वॉइस कमांड हो गया, वॉल्यूम कम ज़्यादा करना हो गया, म्यूट करना हो गया, तो ये सब चीज़ आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। बाकी इसका हॉर्न हो गया है, यहाँ पे आपको इसमें इंडिकेटर के और लाइट के कंट्रोल मिलेंगे, ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन नहीं मिलता है इस गाड़ी में आपको, और यहाँ पे आपको वाइपर से कंट्रोल मिलते हैं। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करें तो इसमें आपको सिर्फ टिल्ट मिलेगा, टेलीस्कोपिक वाला ऑप्शन नहीं मिलता है,
तो अपनी रीच के अनुसार इसको एडजस्ट नहीं कर सकते आप। बाकी अगर आप अंदर के इंटीरियर को गौर करेंगे तो पूरा जो इंटीरियर है वो आपको पूरा अब ब्लैक फिनिश में मिलता है। जो नॉर्मल टियागो थी उसमें अगर आप गौर करेंगे, जिसका डैशबोर्ड होता है उसमें आपको थोड़ा सा ड्यूल टोन इफेक्ट मिल जाता है, मतलब ब्लैक हो गया और जो सिल्वर एक ग्रे जो कलर होता है उसका कॉम्बिनेशन मिलता है। तो यहाँ पर आपको पूरा एक ब्लैक फिनिशिंग मिलती है, सीट्स भी आपको पूरी ब्लैक मिलेंगी, उसमें व्हाइट कलर की स्टिचिंग हो रखी है। तो इससे जो इंटीरियर है पहले के मुकाबले अब ज़्यादा थोड़ा स्पोर्टी और एक प्रीमियम लगता है दिखने में। बाकी अब आपको यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है, पहले टियागो में नहीं आता था। यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से आपको स्टार्ट स्टॉप बटन मिलेगा यहाँ पे। और अगर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करता हूँ तो वो आपको पहले की तरह वैसा ही मिलेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो आपको डिजिटली प्रोवाइड होता है। बीच में यहाँ पे आपको आरपीएम शो होगा, इधर आपको ऑयल टेम्परेचर हो गया और गाड़ी में फ्यूल कितना है, वो सब चीज़ें शो होती हैं। और अगर आपको इसकी ट्रिप मीटर को सेट करना है तो वही आपको थोड़ा ओल्ड फैशन टाइप की तरह इस तरह थोड़ा सा मतलब प्रॉपरली नहीं हो रही है। तो फिट फिनिश के मामले में आपको थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट रह सकती है, लेकिन फीचर्स वाइज गाड़ी काफ़ी अच्छी हो चुकी है, अब आपको अच्छे फीचर्स यहाँ पे मिल जा रहे हैं। हाँ, बस ये कि ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिल रहा है। ग्राउंड क्लियरेंस भी अब गाड़ी का काफ़ी अच्छा हो चुका है, तो गड्ढों में बड़े स्पीड ब्रेकर हो गए, थोड़ा बहुत अगर ऑफ रोड भी चले जाते हैं तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं लगेगी आप। तो मेरे हिसाब से काफ़ी वर्थ गाड़ी हो चुकी है। अगर आप 20-25 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करते हैं इस गाड़ी के लिए तो आपको अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है, लुक आपको अब डिफरेंट मिल जा रहे हैं, अच्छे फीचर्स यहाँ पर प्रोवाइड हो जाते हैं और काफ़ी अच्छी टच स्क्रीन आपको यहाँ मिल रही है, फीचर्स भी आपको अच्छे मिल रहे हैं, स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जा रहा है, सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है। तो मेरे हिसाब से अगर आप टियागो ले रहे हैं तो इसका एनआरजी वेरिएंट जरूर लें। फैमिली के हिसाब से गाड़ी काफ़ी अच्छी है और सिटी वाइज के लिए भी गाड़ी काफ़ी परफेक्ट हो चुकी है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इस एनआरजी वेरिएंट के बारे में मैंने आपको हर एक चीज़ अच्छे से डिटेल में बता दी है और मेरे हिसाब से काफ़ी वैल्यू फॉर मनी ये गाड़ी है, काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ आती है और फैमिली के हिसाब से भी काफ़ी बढ़िया ये गाड़ी है। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।